सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि ऑटोमेटेड डेटा बार कैसे बनाई जाए। मान लीजिए कि आपकी कोई एक्टिविटी है वो 20% कंप्लीट हो चुकी है, तो हम ये चाहते हैं कि उसके आगे वाला सेल 20% कलर फिल कर दे। जैसे ही वो एक्टिविटी प्रोग्रेस होगी, मान लीजिए कि वो एक्टिविटी 50% प्रोग्रेस होती है, तो हम चाहते हैं कि सेल 50% फिल हो जाए। सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा, तो एक्सेल में हम इसे कैसे बना सकते हैं आज हम वो देखेंगे। आपको सिर्फ दो काम करने हैं। पहला ये कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, दूसरा ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ 5 एक्टिविटीज़ मेंशन हैं, जिनका नाम आपके अकॉर्डिंग होगा। आप अपनी फैक्ट्री, आपकी कंपनी, आप जहाँ भी काम करते हैं या किसी स्कूल में हैं, तो वो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप इसको नाम दे सकते हैं। अगले कॉलम में हमने लिखा है कि वो एक्टिविटी कितने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ एक नंबर है, ये परसेंटेज में हमने यहाँ नहीं लिखा है। हमने लिखा है 45 ओनली, जो कि एक नंबर है, बट हम दिखा रहे हैं कि एज ए परसेंटेज है। देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने इसको एज ए परसेंटेज नहीं डिफाइन किया है, एज ए नंबर ही डिफाइन किया है। परफेक्ट। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो मेरी डेटा बार है, जो मेरी ये वाली सेल है, इसके सामने अगर देखिए, यहाँ पे 45% एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये 45% सेल को फिल कर दे। परफेक्ट। देखिए, ये 40 है तो यहाँ 40 को फिल कर दे। जितना हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है, उतना ही मेरा सेल फिल हो जाए। तो हम इसके लिए यूज़ करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे, अभी देखते हैं। सबसे पहले हमें ये वैल्यू डुप्लीकेट करनी होगी। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और इज इक्वल टू दिस सेल कर लेंगे, और यहाँ पे भी यही वाली वैल्यूज़ रेप्लीकेट करवा देंगे पूरी की पूरी। परफेक्ट। ये वैल्यूज़ रेप्लीकेट कर चुकी हैं। जो वैल्यूज़ यहाँ हैं, सेम वही वैल्यूज़ यहाँ पर हैं। अभी देखिए, हमें इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे टिक करना है, और यहाँ पे हमें जाना है डेटा बार्स। डेटा बार्स में हमें जाना है मोर रूल्स के अंदर। अब मोर रूल्स पे हमें कुछ चीज़ें डिफाइन करनी हैं। कैसे, देखिए, हमें फॉर्मेट स्टाइल में रखना है डेटा बार। यहाँ पर हमें क्लिक करना है शो बार ओनली, और यहाँ पर टाइप में हमें सेलेक्ट करना है नंबर, और मैक्सिमम में भी टाइप में सेलेक्ट करना है नंबर, जिसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 100। यहाँ पे हमें सॉलिड फिल ही सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रेडियंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे देखिए, किस कलर में हम फिल करवाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि हम ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉर्डर अगर चाहते हैं तो बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें इस केस में बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम नो बॉर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसका बॉर्डर का कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। परफेक्ट। तो देखिए, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने से होगा क्या कि देखिए, यहाँ से मैंने मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन कर लिया है 0 और 100। ये देखेगा कि इस सेल में वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है 45, तो ये उतना ही प्रोपोर्शन में ये वाला कलर इस सेल के अंदर फिल कर देगा। हमने ये रूल कैसे सेलेक्ट किया, देखिए, ऊपर सेलेक्टेड रूल में सबसे पहले क्या लिखा है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो ये वैल्यूज़ हमने डिफ़ाइन की हैं, जिसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी है, और कलर डिफ़ाइन कर दिया है। अब बस ओके का बटन दबाना बचा है, जो कि अभी हम दबा देते हैं ओके। तो देखिए, क्या शानदार डेटा बार्स आपकी स्क्रीन पे तैयार हैं। जैसे ही हम देखिए इनको चेंज करते रहेंगे, देखिए, अगर मेरा 90% एक्टिविटी कम्प्लीट हो चुका है, तो मेरा 90% फिल हो चुका है। यहाँ पर अगर देखिए मैं 30 कर दूँ तो 30% एक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 10 कर दूँ तो देखिए 10% फिल हो जाएगा। यहाँ पर 100 कर दूँ तो 100% फिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 कर दे तो 10% फिल हो जाएगा। तो डेटा बार्स आपकी स्क्रीन पे बनके तैयार हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको वेरी कर सकते हैं। कैसे, आपको दोबारा से वही सेल सेलेक्ट करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है,
यहाँ पे अब सेलेक्ट करना है मैनेज रूल्स। देखिए ये रूल हमारा लगा हुआ है पहले से, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एडिट रूल। तो हम दोबारा से उसी स्क्रीन पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम पहले थे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते समय। यहाँ पे देखिए अगर मेरे को कलर चेंज करना है, मान लीजिए मेरे को ग्रीन कलर चाहिए तो मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं, तो देखिए ग्रीन कलर हमारी स्क्रीन पे तैयार है। इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डेटा बास और अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी एक्सेल की फाइल को और खूबसूरत बना सकते हैं और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज बढ़ा सकें लोगों की। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।